हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में टॉपिक पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, और हमारा आज का क्वेश्चन सीक्वेंस का है, और हम लोग AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल का फायदा उठा पाए, क्योंकि पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाला गया है। BCA, MCA, MBA, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मैथ्स, इस समय BTech की मैथ्स चल रही, BTech फर्स्ट सेम की फिनिश हो चुकी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इससे पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास तक पहुंचेगी तो वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे। थैंक यू। आइए देखते हैं। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस an इज इक्वल टू 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। तो हमारी सीक्वेंस गिवन है an इज इक्वल टू दिस। अब हमें ये प्रूफ करना है, इसकी कन्वर्जेंस के बारे में प्रूफ करना है कि ये जो हमारी सीक्वेंस गिवन है ये कैसी है। अब देखिए, तो हमने यहां पे लिखा लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब इस तरह का जब होती है सीक्वेंस तो उसमें आप देखा करो कि जो n डिनोमिनेटर में n की पावर कितनी है, तो डिनोमिनेटर में n की जो बिगेस्ट पावर होगी उससे आप पूरी सीक्वेंस को डिवाइड कर दोगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आपको मिल जाएगा 2 अपॉन n, यहां क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 1 की जगह कोई भी फाइनाइट नंबर है, अपॉन में अगर इन्फिनिटी है तो ये हमें क्या मिलता है 0। तो आपका ये वाला टर्म भी 0 हो गया, ये वाला टर्म भी क्या हो गया 0 हो गया। तो आपको मिला 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 क्या होता है 0 होता है, और 0 कैसा है एक फाइनाइट नंबर है। तो अगर आपको इस सीक्वेंस को आपने जब लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी पर निकाला तो एक फाइनाइट नंबर मिला, जब फाइनाइट नंबर मिलता है तो हम लिख सकते हैं कि सीक्वेंस un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन को इतने अच्छे से यहाँ पे समझा दिया जाता है कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आप आएगा, एन की जगह कुछ भी किसी भी तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा होगा तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, जिससे अगर आपने 4 क्वेश्चन भी अच्छे से समझे हैं तो आप 400 क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। 400 क्वेश्चन में आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो आप 4 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने का फायदा कभी भी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे अगर उसी कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।